दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। भंडारा जिले के जिला परिषद, पंचायत समिति व नगर पंचायत की कुल 50 सीटों के लिए आगामी 18 जनवरी को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिलाधिकारी संदीप कदम की अध्यक्षता में गुरुवार 30 दिसंबर को हुई जिला स्तरीय सनियंत्रण व पेड न्यूज समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं दी गयी। इसके साथ ही चुनावी खर्च प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस देने संबंधी कड़े निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, निवासी उपजिलाधिकारी महेश पाटिल, उपजिलाधिकारी अर्चना यादव, भंडारा नगर परिषद के मुख्याधिकारी विनोद जाधव सहित चुनाव के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला परिषद, पंचायत समिति व नगर पंचायत के लिए 21 दिसंबर को पहले चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस चुनाव में खड़े भंडारा तहसील के 141, मोहाड़ी के 40, तुमसर के 44, साकोली के 32, लाखनी के 12, पौनी के 160, लाखांदुर के 61 इन उम्मीदवारों द्वारा चुनाव का खर्च प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित उम्मीदवारों को चुनावी खर्च प्रस्तुत किए जाने के लिए नोटिस दिए जाने के निर्देश जिलाधिकारी संदीप कदम द्वारा दिए गए। समय पर चुनावी खर्च प्रस्तुत नहीं किए जाने पर चुनाव अधिनियम में किए गए नियोजन के अनुसार उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस प्रकार की कड़ी सूचना दी गई। इस समय नोडल अधिकारी खर्च प्रबंधक जाधव ने बताया कि मोहाड़ी, लाखनी व लाखांदुर नगर पंचायत में कुल 84 उम्मीदवारों ने अब तक खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है। इस समय जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव ने बताया कि आगामी 18 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए 601 मतदान केंद्र पर मतदान किया जाएगा। उक्त मतदान केंद्रों पर कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने की पूर्व तैयारी की गई है। इसी तरह संशयास्पद आर्थिक व्यवहार पर नजर बनाए रखने की बात जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक गणेश तयकर ने कही। इस समय जिलाधिकारी ने मतदान व मतगणना के दिन ट्राई डे के आदेश निर्गमित करने की सूचना उपस्थित अधिकारियों को दी। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।